अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ माही रिवर, महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे है। चलो चलो, रुक के फिर देख रहा है पीछे, गर्लफ्रेंड है क्या पीछे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बड़ौदा। आप अगर कल का वीडियो देखा है तो कल मैं पुणे से निकल के बड़ौदा आके रुका था, और ये मेरा ऑल इंडिया कोस्टल राइड का सीरीज़ चल रहा है। आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मेरा डेस्टिनेशन है भुज। आज एक्चुअली सेकेंड डे है। आज अगर डेट देखेंगे तो ये 29th of October है और आज संडे है। कल का जर्नी दोस्तों बहुत ही अच्छा गया। हाईवे मुझे जो मिला था NH 48, बहुत ज़बरदस्त हाईवे है, मुंबई अहमदाबाद वाला जो हाईवे है। आज भी अभी मैं वही हाईवे से अहमदाबाद इवन भुज तक जाने वाला हूँ। थोड़ा सा पोर्शन सिटी के अंदर से जाना है और आज हो गया 1 घंटा लेट डिले। मैं 7 बजे निकलने वाला था, 7 और निकल रहा हूँ 8 बजे। आज का डिस्टेंस टोटल मैं कवर करने वाला हूँ 442 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 8 घंटा 2 मिनट लगने वाला है यहाँ से। ये कौन सी बिल्डिंग है? ये लक्ष्मी विलास पैलेस। अच्छा, पैलेस है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है? पर्सनल? ओके 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 ओके। दिस इज ऑल्सो लक्ष्मी विलास पैलेस। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेला लगा हुआ है, बढ़िया एकदम, और लोग खेलने के लिए भी शायद इधर ही आ रहे हैं। सामने दोस्तों हाईवे दिख रहा है बड़ा सा, ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा है, वही हाईवे है। यहाँ से अहमदाबाद 105 किलोमीटर है, तो सीधा अहमदाबाद पहुँच के ही रुकेंगे, उससे पहले नहीं। आज का दोस्तों टोटल राइड होने वाला है 442 किलोमीटर ऐसा कुछ, और टाइम कुछ 8 घंटे का राइडिंग टाइम दिखा रहा है, और साथ में कुछ रेस्ट वगैरह लेंगे, खाना वाना खाएंगे तो उसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। मिला के मुझे कुछ 10 घंटा लगने वाला है। 8 बजे निकले हैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा भुज में। दोस्तों ये मेरे इस सीरीज़ का, ऑल इंडिया कोस्टल राइड सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज़ का, तो यहाँ पे आई बटन में देखिए लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं। कल मैं पुणे से निकल के आया था और स्टे किया था बड़ौदा में, आज बड़ौदा से जा रहा हूँ भुज के तरफ। ये एक्चुअली दोस्तों मेरा कोस्टल राइड ऑल इंडिया का है। मैं सबसे पहले अभी आज जैसे भुज पहुँचूँगा, और वहाँ पर कच्छ है, भुज के नज़दीकी है कच्छ, एक्चुअली वो कच्छ रीजियन ही है। तो कच्छ से मेरा एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है ये राइड। ये 2 दिन का जो राइड था वो सिर्फ पहुंचना था कच्छ के पास, और कच्छ से मेरा एक्चुअल राइड स्टार्ट होने वाला है और ये ख़त्म होगा कोलकाता में। पर ये सीधा सीधा नहीं है, कच्छ से लेके मैं स्टार्ट करके डाउन द लाइन पूरा नीचे जाऊंगा, वेस्टर्न कोस्ट से एकदम रामेश्वरम तक पहुँचूँगा, कन्याकुमारी रामेश्वरम, फिर ईस्टर्न कोस्ट से ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ आऊँगा और कोलकाता वेस्ट बंगाल तक पहुंचूंगा। तो ये पूरा कोस्टल राइड 22 से 25 दिन का होने वाला है। आज सेकेंड डे है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें एक के बाद एक वीडियो आता जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या बताएं, मतलब इस रूट का ये जो हाईवे है इतना मस्त है, दिल मतलब यहाँ पे गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ माही रिवर, महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, माही रिवर है। टोल गेट है 1 किलोमीटर पे। हाँ, जैसे हाईवे मस्त है वैसे ही टोल है, बाप रे बाप। अच्छा हो गया मैं 2-व्हीलर पे आया, नहीं तो पता चला पेट्रोल का खर्चे से ज़्यादा तो मेरा टोल खर्चा हो जाता। एज यूजुअल लेफ्ट मोस्ट गेट है अपने लिए।
तो देखिए शिव जी का एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, पर ये उस तरफ है, देख सकते हैं क्या? अरे मुश्किल है यहाँ से देखना। दोस्तों आज के राइड का एक घंटा हो चुका है और 65 किलोमीटर मैंने कवर किया है, 100 किलोमीटर हो गया, तो कोशिश करूँगा एक बार ब्रेक लेने का। और ये क्योंकि दोस्तों सेकेंड डे है और ये फर्स्ट, मतलब मेरे लिए ऐसा है कि लगातार दो दिन मैं राइड कर रहा हूँ, इससे पहले एक्चुअली कभी भी कंटिन्यू राइड नहीं किया। मतलब गोवा भी जो गए थे एक दिन राइड किया, नेक्स्ट डे लोकल में ही था, रेस्ट लिया, फिर थर्ड डे पे मैं वापस आया पुणे के लिए। पर ये कंसेक्यूटिव दो दिन लगातार मैं चला रहा हूँ, तो आज तो 60 किलोमीटर करते ही मेरा बम्प का हालत थोड़ा सा ढीला लग रहा है। देखते थोड़ा सा चाय नाश्ता, चाय शाय कर लेते हैं दोस्तों। अभी हम रिंग रोड छोड़ रहे हैं, ये रिंग रोड है, ऊपर से जा रही है और इसको छोड़ के लेफ्ट में मैं जा रहा हूँ। ये अगर लेफ्ट जाएंगे तो अहमदाबाद सिटी है, और सॉरी ये पीछे मतलब राइट लेते तो अहमदाबाद सिटी है, और अभी मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, ये भुज की तरफ है। और सामने दोस्तों सानंद है, सानंद वो जगह है जहाँ पे टाटा नैनो का प्लांट लग गया था। दोस्तों ये रहा सानंद जहाँ पे टाटा नैनो का कारखाना बना था, प्रोडक्शन यूनिट। आपको पता ही होगा कि उस टाइम पे टाटा नैनो, इनिशियली टाटा नैनो कारखाना जो वेस्ट बंगाल में लगने वाले थे, हुगली सिंगूर में, बाद में कुछ पॉलिटिकल रीजंस के वजह से वहाँ पे नहीं हो पाया। फाइनली उस टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट ने ये जगह सानंद के सामने, यहाँ पे उनको स्पेस दे दिया, उनको लैंड दिया, और नैनो यहाँ यहीं से प्रोडक्शन होके फाइनली मार्केट पे आया। और जब तक नैनो चालू था, अभी तो नैनो जैसे बंद हो गया है, प्रोडक्शन बंद है, जब तक नैनो प्रोडक्शन में था तो यहीं पे प्रोडक्शन होता था, और अभी शायद यहाँ पे दूसरे कुछ गाड़ी है टाटा के, वो प्रोडक्शन होता है ये फैक्ट्री में। इसी के साथ साथ आज के राइड का 3 घंटा हो चुका है और 126.7 किलोमीटर में चला लिया, कुछ 47.5 का एवरेज मुझे 3 घंटे में मिला, पहला 3 घंटे में। ठीक है, 45 के ऊपर है तो अच्छा ही है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। चलो चलो, रुक के फिर देख रहा है पीछे, गर्लफ्रेंड है क्या पीछे? चलो। अरे भाई तुम्हारा सब गया उधर, पूरा झुंड। क्या मस्त नज़ारा है, यहाँ पे भी खेत है, इस तरफ भी खेत है, और बीचों बीच एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा रोड है। जितना दूर तक देख पाता हूँ रोड सीधा ही है, जितना दिखाई दे रहा है, इवन मैप पे भी सीधा ही दिखाई दे रहा है। चलते चलो, चलते चलो। एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा, जैसे कि आप ऐसे स्ट्रेट रोड पे चलते हैं ना, जहाँ पे गाड़ी कम रहती है, कोई कंजेशन नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद आपको नींद आना
चालू होता है, मतलब नींद का एक हल्का सा ड्राउजीनेस फील होता है, तो उससे बचने का एक तरीका है, आप अपना जो हेलमेट का वाइज़र है थोड़ी देर के लिए ओपन कर दीजिए। हवा का जो प्रेशर रहता है, हवा का जो धक्का रहता है, मतलब वो जो आके हवा पूरा आपके मुंह पे धक्का मारेगा, उससे आपका नींद निकल जाता है। हालांकि नींद नहीं आता है, मतलब वो कंटिन्यूस आप लॉन्ग ऐसे स्ट्रेट पैच में चल रहे, स्ट्रेट स्ट्रेच जो है एकदम सीधा सीधा चल रहे, उससे हल्का सा मतलब एक ड्राउजीनेस टाइप का आता है, वो फटाफट आपका निकल जाएगा आप अगर हेलमेट का वाइज़र ओपन कर देंगे तो। ये एकदम रामवान है। हाँ, पर अगर सही में आपको नींद आ रहा है तो ऐसा मत कीजिए, प्रॉपर कहीं पे रुकिए और थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट ले लीजिए, आँखों में और मुंह में पानी का छींटा मार दीजिए, तो फिर नींद निकल जाएगा। अभी मुझे रुकना है, 4 घंटा हो गया है कहीं पे, देखते हैं अभी। ये तो पूरा वीरान जगह है, सीधा सीधा कहीं पे भी कितना दूर देख रहे हैं कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों ध्यान देने लायक है यहाँ पे, क्योंकि मैं कच्छ रीजन में ऑलरेडी आ चुका हूँ, यहाँ का मिट्टी में ना थोड़ा सा नमक जैसा कुछ लग रहा है मुझे। दोस्तों ये है श्री ओमियो भवानी होटल एंड गेस्ट हाउस। दोस्तों मैं अभी उमिया भवानी रेस्टोरेंट पे, एक्चुअली ढाबा है, यहाँ पे रुका था। बाइक मेरा इधर पार्क हुआ है और यहाँ पे मैं बैठ के खाना खा लिया और तब तक नवीन से मिला। नवीन यहाँ पे रहते हैं और ये मतलब मेरा बाइक देख के और मुझे इसको अच्छा लगा और अभी ये फिलहाल मेरा सब्सक्राइबर है। सबको हेलो बोल दीजिए। हेलो भाई, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब। अरे वाह वाह वाह, मैंने कुछ सिखाया भी नहीं, कुछ बोला नहीं है, खुद से बोले हैं नवीन जी ने। यहाँ पे एकदम मस्त सो गए थे आधा घंटा और अभी बज रहा है 2, मतलब और 200 किलोमीटर बाकी है मुझे जाना है और कुछ 4 घंटे के आसपास लगेगा। चलिए दोस्तों अभी फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो बाय। यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, एक्चुअली सो गया था मैं और बहुत बढ़िया नींद आया था। हाफ एन आवर करीब कुछ मैं सोया, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है थोड़ा सा सो लेना, क्योंकि क्या होता है आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आपको नींद आता है ना, और ऐसे जगह मिल गया तो आराम से सो जाइए। अभी दोस्तों सामने से लेफ्ट गया तो मोड़ भी है जो भी एक कोस्टल टाउन है और हमें जाना है राइट में भूज के तरफ। राइट में जाएंगे, दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ देखिए नमक बनाया जाता है, से पंप करके छोटे छोटे ऐसे एरिया डिवाइड किया है, फिर पंप से समुंदर का पानी लाया जाता है और इधर छोड़ दिया जाता है और वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है और नमक नीचे रह जाता है। नेचुरल इवेपोरेशन के साथ साथ नमक हमें मिल जाता है। दोस्तों मेरे बाइक का पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया है और उसके बाद लगभग 89.4 किलोमीटर चल चुका है। अभी 100 किलोमीटर का तो रेंज मुझे इससे पहले भी मिला था, उससे ज़्यादा ही चलता है, पर मैं कोशिश करता हूँ 100 किलोमीटर के अंदर अंदर तेल भर लेने के लिए। पर आज क्या हुआ, मैं जब मुझे पेट्रोल पंप मिल रहा था उस टाइम पे से 40 किलोमीटर के आसपास कुछ हुआ था, अभी 90 हो गया। देखिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का मैक्सिमम रेंज बचा है और कहीं पे पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। एक शायद पेट्रोल पंप नीचे दिख रहा है, मुझे सर्विस रोड में जाना पड़ेगा इसके लिए, देखता हूँ।
चलो शायद दिख रहा है तो इंडियन ऑयल का लग रहा है देख के। तो चलिए और बस 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 छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। यहाँ से दोस्तों हाईवे छोड़ के मुझे भूज के लिए राइट जाना है। देखते हैं भूज कौन सा दिखा रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली भूज है। इधर जाना है क्या भूज के लिए? भैया भैया भूज इधर है ना? वो वाला। अच्छा वो वाला। अच्छा अच्छा ओके। तो इधर होगा। अरे मैप में थोड़ी देर के लिए इधर ही दिखाया फिर वापस उधर दिखा दिया, पता नहीं क्या किया। हाँ ये है अभी सही है। अभी दोस्तों यहाँ से और 77 किलोमीटर बाकी है और दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, कुछ 5:20-5:25 तक पहुँचूँगा। ठीक है। और यहाँ पे रोड भी थोड़ा सा नैरो है तो हाईवे जैसा उतना स्पीड तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। आज का मेरा दोस्तों जर्नी का मैक्सिमम पार्ट था वेस्ट के तरफ, मतलब मैं अगर वडोदरा से देखूँ तो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट के तरफ आके फिर वापस वेस्ट के तरफ आना पड़ता है भू जाने के लिए। और यहाँ पे हवा का जो बहाव है ऑलवेज़ मेरे उल्टा ही आ रहा है, मतलब कंटिन्यूसली मैं हवा के अगेंस्ट में चला रहा हूँ और मतलब इसलिए, और थकावट भी ज़्यादा हो रहा है आज। और ऊपर से इस एरिया में ना बाली में मतलब जो हवा है ना उसमें भी नमक है, तो ये वाइज़र ओपन करके नहीं चला पा रहा हूँ। वाइज़र ओपन करके चलाता हूँ ना तो नाक जलने लग रहा है। और अभी वैसे भी 50 किलोमीटर ही बाकी है, ज़्यादा नहीं है, 57 मिनट्स और लगने वाला है बोल रहा है। दोस्तों करीबन 5:30 बजे तक मैं पहुंच गया था भूज में, और मेरे लिए जो रूम रेडी करके रखा हुआ था वहाँ पे मैंने सामान वामान रख के सब बैकअप वैकअप ले लिया। और उसके बाद मैं थोड़ा आया हूँ ये स्वामी नारायण मंदिर में थोड़ा सा दर्शन करने के लिए पीपी पाठक सर के साथ। सर एक्चुअली मेरे सीनियर है, कॉलीग भी है। आप देख सकते ये मेन गेट से लेके कितना बड़ा एरिया है और ये है कितना सुंदर मंदिर है। चलिए इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये है मेन मंदिर। यहाँ पे दोस्तों मैं दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी 8 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, मतलब प्रीमाइसिस में आप आ सकते हैं पर दर्शन नहीं हो पाएगा। बाकी मंदिर आपको दिखा देते हैं। मन ही मन हम भगवान को नमन करते हुए मंदिर दर्शन करके वहाँ से चले आए और फिर हम लोग गए उमिया बोल के एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे गुजराती थाली खाना था। और गुजराती थाली यहाँ पे सर्व किया गया। बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जी है जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, इससे पहले कभी खाया ही नहीं। और यहाँ पे मूली का साग जो था वो हमारे बंगाल में भी ऐसा ही बनता है, कोलकाता में भी हम लोग घर में ऐसे ही बनाते हैं, तो मूली का साग मुझे सिमिलर टू बंगाल लगा। बाकी गठिया की सब्जी फर्स्ट टाइम खाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पानी के जगह पे छाँस दिया जाता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठंडा ठंडा छाँस ऐसे जग में भर के रखा हुआ था।
सो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो चुका है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश किया इस वीडियो में आपसे शेयर करने का, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। और कल से दोस्तों मेरा मेन जो ऑल इंडिया कोस्टल राइड है वो स्टार्ट होने वाला है कोटेश्वर टेम्पल के सामने से। तो सबसे पहले मैं कल सुबह उठ के कोटेश्वर टेम्पल जाऊँगा और वहाँ से अपना जो राइड है उसका शुभारम्भ करूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो अब तक के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।